मैं देख पा रहा हूं कि उदित जी भी बैठे हुए हैं यहां पे, मुझे बताया नहीं गया था। सर 10 मिनट बाथरूम जाएं, मेरे लिए इजी हो जाएगा। वैसे ये सिलाई मशीन हमारे पांव के नीचे कौन रख गया हमको पता नहीं चला। शायद तू जा। वाह कितने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा नीचे हो जाए, पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा। ये हंसी मजाक की बातें चलती रहनी चाहिए क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक परिवार की तरह है। वी आर ए फैमिली, आपस में एक दूसरे के साथ हंसना गाना चाहिए, लोगों को मजा आता है। किसी ने सच कहा है कि मंदिर का रास्ता है बहुत दूर, किसी रोते हुए को हंसा देना। और अगर रास्ते में अरिजीत मिल जाए तो मंदिर ही जाना, क्योंकि वो नहीं हंसेंगे। लड़के लड़कियां उनके गाने सुनकर रोते हैं, बाकी सिंगर कभी कभी ये सुनकर रोते हैं कि ये गाना भी उनको मिल गया। अरे जीते रहो। वैसे म्यूजिक इंडस्ट्री अब पहले जैसी नहीं रही, आपको तो पता है अनुपम जी, लेकिन आजकल नॉर्मल गानों में भी लिरिक्स ऐसे होते हैं जैसे लग रहा है बातें कर रहे हैं लोग। एक गाना है कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, लिखा है मतलब ये बात हो रही है। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, रिक्वेस्ट है, इसका गाना बना दिया। स्पीकर का वॉल्यूम इसको तेज पसंद है, अब बताओ उसको तेज पसंद है तो इसके ऊपर गाना बनाओगे क्या? लेकिन स्पीकर हो या लाउड स्पीकर, सोच समझ कर रिएक्ट करना चाहिए, नहीं तो सिर मुंडाना पड़ सकता है। हमारे दोस्त सोनू जी नहीं आए आज यहां पे, है जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना होता है उनको। आजकल ये जो जनरेशन है आप देख रहे हैं, गानों के नाम पे रैप जो है बहुत कॉमन है। पहले गाने लिखने में टाइम लगता था, लोग ऐसे ऐसे करके लिखते थे, आजकल रैप लिखते हैं ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है, जलेबी की तरह। वैसे हमने अभी लेटेस्ट रैप सुना, एक काम कर फुल लॉक कर, पुल्ली ना तो चार्जर रख ले, थोड़ी पिंडी ते जिंजर, आई एम ह्यूमन बींग आई हैव फिंगर, ऐसा कुछ गाना था। मैं आज आपको एक चीज बताने आया हूं कि मेरा हर गाना पहले रैप होता था, बस उसमें थोड़ी सी मेलोडी निकाल लो तो वो रैप बन जाएगा। अब जो गाना है मेरा एक गाया हुआ, मैं निकला गड्डी लेके रस्ते पे, ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं गड्डी उत्ते छो। सर मैंने 10-12 सुर गलत लगाए हैं, उसके लिए माफी कीजिए, 8 सुर के गाने में। लेकिन इसमें से अगर मेलोडी निकाल दें, वैसे लड़कियों सेल्फी तो अभी आई है, मैं तो कब का पाउट बना के बैठा हूं। हाँ तो इसमें अगर मेलोडी निकाल दी जाए तो ये गाना होगा, मैं निकला गड्डी लेके रस्ते में सड़क पे एक मोड़ आया, मैं गड्डी उसे छोड़ आया। या बेबी या। ओरिजिनल गाने में था, कब गुजरा अमृतसर, रैप में गाए तो कब गुजरा अमृतसर, अमृतसर ऐसे लग रहा है वापिस से यू टर्न मार के वापस आ गया, अमृतसर पहुंचा नहीं। रैप में क्या होता है हमने देख लिया। मान लीजिए आपने एक 10 किलो का वेट लिया, पीछे बांध लिया, पीछे गिरेंगे ऐसे, और तीसरा दिन है आपकी स्विमिंग क्लासिक, आप तैरने सीख रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, और गाना बीच बीच में अगर आपको भूले तो बीच में यो आ करते रहिए। पहले गाना गाते थे भूलते थे तो लोगों को पता चलता था भूले हैं, लेकिन नहीं अब नहीं, अब यो आ करिए लोगों को लग रहा है गाना चल रहा है। गाना था हमारा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर अब देखिए पापा पापा में पापा को अटकाइए, अटकाइए तो रैप चलेगा। पापा 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 कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने, मेलोडी निकाल लीजिए रैप बन जाएगा। और जहां भूले वहां कीजिए यो हाँ यो हाँ, लोगों को लगेगा गाना चल रहा है। आपको भी सिखा सकता हूं मैं रैप, देखिए मैं राइट लेग रखूंगा तो आपको यो कहना है, सब लोग जो कह सकते हैं, मुंह दिया है भगवान ने जिन लोगों को, क्या आप कहने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलो। हाँ तो यो और आ,
1, 2, 4 अभी रखा नहीं है। कैसे ताली मार रहा है, ऐसे ताली मार रहा है, मिस हो रहा है, ऐसा मारते हैं ताली, ऐसा मार रहा है। अच्छा, रैप की अच्छी बात, एक खास बात जो लास्ट बात है वो ये है, रैप में आप यो यो आ आ करते रहिए, आप इंस्ट्रक्शन भी दें तो लोगों को लगता है गाना चल रहा है। इधर आ, इसे उठा, तू चल, गाना आ, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ओ भाई खत्म हो गया, सच में खत्म हो गया।